खास कार्यक्रम आदमपुर के दंगल में आपका स्वागत है। दिल की धड़कनें लोगों की तेज हो चुकी हैं क्योंकि इम्तिहान की घड़ी बेहद नजदीक आ चुकी है। सत्ता के गलियारों में सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का परिवार अपनी तीसरी पीढ़ी को हरियाणा विधानसभा तक पहुंचा पाएगा। कांग्रेस पार्टी जो आदमपुर के चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है, क्या हरियाणा विधानसभा तक जयप्रकाश जीतकर आदमपुर के वोटर्स का आशीर्वाद पाकर पहुंच सकते हैं? इसके अलावा कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वजूद आदमपुर के वोटर्स के बीच इस वक्त बना हुआ है? तमाम वोटर्स से उनके मन की बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के बगला गांव में। बगला गांव के तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आदमपुर का चुनाव आ गया और हर तरफ आदमपुर के चुनाव की चर्चा चल रही है कि आदमपुर का वोटर क्या सोच रहा है, आदमपुर के वोटर्स ही हरियाणा की अगली सरकार 2024 में हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला कर सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है। बगला गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। बगला गांव के वोटर्स के मन में क्या चल रहा है? भाई बगलों तो जेपी जीते हैं, जयप्रकाश कांग्रेस। कोई खास वजह? बगला गांव के जातिगत समीकरण मुझे समझा दीजिए कि सबसे बड़ी आबादी कौन सी जाति के लोगों की है और दूसरे जो अन्य परिवार हैं वो कौन सी जाति से संबंध रखते हैं, जातिगत समीकरण जरा मुझे समझा दीजिए। भाई लगभग 3000 वोट है, 1500-1550 वोट जाट है और 36 बिरादरी है। ये तो बिश्नोई परिवार क्या बगला गाँव में मौजूद है? नहीं है। तो अब मुकाबला किस तरीके का मान रहे हैं? एक नंबर पर कौन रहेगा, दो पर कौन रहेगा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बगला गांव के वोटर्स को या आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स को सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं? भाई साहब हुड्डा ने काम कराया यहाँ पर, भजनलाल कितना सीएम रह लिया, 17 वाटर वर्क्स हुड्डा ने, वो रोहतक साइड से तो भी यहाँ कराए, कोई भेदभाव नहीं कराया। कांग्रेस राज में हुड्डा सीएम थे, 17 वाटर डिग्गियां आदमपुर हल्के में बनी है, 52 गाँवों में 17 गाँव वाटर डिग्गियां मनाई है। और ये तीसरे महीने भाई साहब कदे कौन सी पार्टी में आ जाए, कदे कौन सी काम की टाइम है ये, इसका एक बात बताओ, बड़ौदा का उपचुनाव था वो तो डेथ हो गई थी हमें, लेकिन वहाँ पर स्वाभाविक होना। अभय सिंह ने किसानों के बारे में दिया था, ये किस कारण हो रहा है चुनाव ये बता दो ना एक बार। ये तो अपनी मर्जी से ईडी के छापे लग गए, बेटे की राजनीति चमकानी है, 1.5 साल और बच रही, काम की टेम चलन लग रही, रिश्तेदार भी दाब दे, हंड है गाड़ियां पर गाड़ियां ना काम कर दे, यो क्यों दिए है इस्तीफा, क्यों दिए इसका कारण? कुलदीप बिश्नोई तो साफ ये बात करें कि 26 सालों का सूखा वो खत्म करने जा रहे हैं, विपक्ष में लगातार बने हुए थे इसी वजह से आदमपुर बदहाल हुआ। सूखा भाई साहब 10 साल कांग्रेस की राज आई, यो कूद के परने चला गया, ठीक है, उस टाइम भी सूखा कर सका था, भजनलाल की पूरी चलनी थी, पद भी देवे थे इनने, गवर्नर भी मनावे थे, सारा सौदा मिला था। और उस बाद में 8-8.5 साल हो गए बीजेपी ने, अब यो 1.5 साल में सुक्का याद क्यों आया, ईडी के छापे लगन लगे, भाई जनता सियाणी हो रही है, अब सुक्का 1.5 साल में के करा लेगा, ये विचार संहिता या लग गई, आगे सरपतिया में लग जी, 5 महीने पहले फिर आगे 24 आम चुनाव हो गए, 1 साल में के करा देगा यो, कांग्रेस नारा ना जावार जद भी काम करावार, 8.5 साल हो गए बीजेपी ने, जो देंगे ध्यान में को नहीं आई, ये आपके पेट भरने खातर गया भाई साहब, कोई इसने जनता को लेना देना को नहीं, इब कर यो हारेगा, इसका भी पंडा छूट जाए, मारू मारा छूट जाएगा इस। तमाम दूसरे वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे बताइए कि बगला गांव के वोटर्स के मन में क्या चल रहा है? भाई मैं क्या बताऊँ, मैं तो जमींदार आदमी हूँ, कुलदीप वोट तो आपके पास है ना, का लड़का जीतेगा, भव्य बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, कोई खास वजह आप बताइए? एक तो हल्का का रह गया और एक 36 बिरादरी का रह गया, ये तो कह दे हमारा जाट है, तो यो 36 बिरादरी गए है, हमारा यो ही काम करवा सके, बाकी और काम करवा भी कौन। तो आप मुझे ये बताइए कि आदमपुर के इस उपचुनाव में जाट और गैर जाट भी क्या कोई मुद्दा है क्या? नहीं मुद्दा तो कौन ही, कोई बना ने तो बना लियो चाहे, फिर मान लियो मैं तो जांगड़ा हूँ, हमारे तो घनी लगा रखे बापड़े, भजनलाल ने लगाए है और लगाए है, रही बात कुलदीप की, कुलदीप का हाथ में किमी कोई नहीं, वो के करेगा, विपक्ष में है विधायक ना, कोई देवे तो देवे नहीं, कौन देवे, इनका 2000 तो मेरे ही को नहीं आई, वह किसान वह आई करे कर किस्ते वह तो मेरे सम्मान निधि, हाँ निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या मेरे ही को नहीं आई तो देवे नहीं, कौन देवे, कोई जरूरी काम यही करा होगा। मुझे बगला गांव की जरा तस्वीर समझा दीजिए कि इस वक्त एक नंबर पर कौन, दो नंबर पर कौन और तीन नंबर? भवे भवे, हाँ दो नंबर पर यो के नाम जेपी,
और तीन नंबर पर फिर और आगे अपन बेरा कुंड। मुझे ये बताइए कि विकास नहीं हुआ, इसका दर्द भी कहीं आपके मन में है? विकास हुआ, कुकर विपक्ष में रह गया, देवे कुंड सारे लगाएंगे ऊपर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार ये बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास अगर है तो आदमपुर का विकास भी होना चाहिए था। आठ सालों में, पिछले आठ सालों में कितना विकास आपके गांव का हुआ? नहीं तो मान लो है कौन हमारा, कोई कोई नहीं करवानी है, जो है कुकर है तो करवाओगा ही करवाओगा। पहले तो कोई नहीं करवाया, नहीं करवाया, करवाया क्यों? कौन 2000 मोदी ने दिए हैं, बाकी जो खटे मान लो सामाजिक काम करवाए, इसी बात को नहीं हुए ना, काम हुए हैं, यही आप करने की कोशिश कर रहे हो कि सरकार ने विकास कार्य आपके गांव में करवाए। मंजूर हो या ना, मेरे जन्म 12 महीने हो गए, कदी संक्रांत की बात को नहीं, जो मंजूर हो रही है हमारे गाँव में लाग रही है, यो मंजूर हो रही है। रात तो था टेलीविजन में भी दिखने लाग रही विदेश नीति प्रधानमंत्री की है, सब बढ़िया। चुनाव तो हरियाणा में हो रहा है, प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर, यानी मोदी के नाम पर आप वोट करेंगे? सीधी सी बात है, ही करेंगे, हमारे कुलदीप गए भी करेंगे। ठीक है, खट्टर पसंद नहीं है? खट्टर भी पसंद है हमारा, तो मोदी खट्टर और कुलदीप तीनों के नाम पर वोट बीजेपी। आरक्षण दिया है 15% है तो 20% है पंचायती चुनाव। हाँ ठीक है, यो सब बड़ा तो यो मुद्दा है, नहीं तो हम बैठे रहते तो अब तो सरपंच बन जाएंगे। बन जाऊंगा क्यों को नहीं, बनाएंगे खूब धड़ाधड़। मेरे जन्म 80% हमारे हरियाणा में बनाएंगे, बैक ब्रेड गए हैं या छोटी बात को नहीं। चलिए मुझे बताइए कि गांव में विकास कार्य हुए क्या? मुख्यमंत्री साफ ये बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अगर सबका विकास है तो बगला गाँव में भी विकास कार्य हुए होंगे ना? आड़े तो जेपी निकड़ा 400-500 वोटा हूँ, इना कहना क्यों है ये कह बोला काम करवाए के करवाए है, काम कद करवाओ, संक्रांत पाचे करवाओ, ये है काम तो करवावार ईब करवावार या पहली करवावार है, ईब काम के होगा है। जब मैं बताऊं 2 मिनट, काम की है डी ग्रुप है, ये तो पढ़े लिखे हमारे गांव के लागे को नहीं, हमारे गांव के लाग रही है डी ग्रुप में। ईमानदारी से नौकरियां मिली? इनाम ईमानदारी खूब हेलो, वे कोनी का मारा है का जो का मारा विधायक है मारा चेयरमैन है, वह बात कोनी। अच्छा मुझे जरा ये बता दीजिए कि बगला गांव में एससी और ओबीसी वोटर्स जो पिछड़ा वर्ग के जो वोटर्स हैं उनका रुझान किस तरह है? वो इसका नहीं है, किसका नहीं, भव्य करनी। ठीक है, तो अब अपनी बात को पूरा बता दी, न्यू है वोट है आडे 400-500 जेपी की, ये मारे न्यू सारे दिन, ये सारे दिन अड्डे पर रहे, इना धंधा यो ही है, काम है को नहीं इन्होंने है, आइए न्यू के बोले फलाना काम कर दिया, फलाना नौकरी लगा दिया, किन्हीं को लगाया आड़े कोई और दाल लागुड़े लग गए, मैंने कोई फीत लगाए डे दिखे नहीं है, आइए का आगे करवाओ, आगे के संक्रांत पास से करवाओ, कद करवाओ। चलिए मुझे ये बताइए कि एक दो और तीन नंबर का जिक्र मैंने इनसे भी किया, मैं आपसे भी कर रहा हूँ, पहले पायदान पर कौन और दूसरे पायदान पर कौन? पहला नंबर आड़ जेपी बगड़े में दो, ठीक है, हाँ पहला नंबर है, 400-500 वोट टाउन निकलेगा जेपी है, जेपी यो कदे आया नहीं गया नहीं है, कदे यो वोट लांगी जूझ पड़े जदावे न्यू मतबली को नहीं, यो आवे नहीं किसी की मुकान भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी प्रचार के लिए आदमपुर के वोटर्स के बीच पहुंचेंगे, उनका कोई असर पड़ेगा क्या? कोई असर को नहीं इसका, वो करिया ही कौन की नहीं, वो तो ईसा निकलिया जैसे मुख्यमंत्री कौन निकलिया ईसा, वो तो आपके घर आई रहा बैठा बेरा के करे के जेड़ी बंद है बेरा को नहीं, घर आई रहे वो तो कुछ ही नहीं करे वो तो। अगर सीएम आएंगे तो कोई असर आप मान रहे हैं? ना कोई असर को नहीं, जो जेपी देगा वो जेपी देगा, चाहे किमी खट रहा हो चाहे फट रहा हो कुछ ही आओ। अच्छा आपके गांव में इनेलो और जेजेपी के वोटर्स का मूड क्या है? 101 वोट है आम पार्टी की, 101 वोट है लोक दल की, बाकी जेपी यो है बस। हाँ जेपी निकला गाड़ू 500 वोट हूँ। जेजेपी के वोटर्स होंगे ना, परिवार होंगे आपके गाँव में? ना वे कौन, जननायक जनता पार्टी का कुछ नहीं है ना, खत्म हो गया मामला, चुटाला रंगड़ा से दमगी बात कर रही। ठीक है, हाँ आदमपुर में तो वैसे ही, हाँ कौन आदमपुर में बिना गणेश वाह वाह। भजनलाल वोटर, भजनलाल एंटी वोटर दो ही। जेजेपी और इनेलो के वोटर्स का मूड भी मुझे जरा बता दीजिए क्या? कांग्रेस के जो भी वर्कर है ना कांग्रेस के साथ है, खुला वोटर। वो दुष्यंत चौटाला और उनका बड़े चौटाला का कोई संदेश नहीं आया? संदेश के भाई साहब मैं बता दिया, भजनलाल ने जो नए देनी है वो भजनलाल ने रानी है, वो
अच्छा कैंडिडेट है उसके पीछे लग गए बस यही। तो जी आप मुझे बताइए कि किस तरह की तस्वीर बगला गांव में बनती हुई नजर आ रही है? भाई जेपी शायद जीत सके और बाकी है नहीं भव्य भाई के कैसे कहीं परली साइड में तो वो भव्य जीता है, उरली साइड में नहीं ये जीता है, ये आंकलन कौन कर सका कौन सा जीता है कौन सा हारा है के कैसे कहीं। रुका रोड़ा किसका ज्यादा है भाई? रोड़ा तो ये कांग्रेस वाली ज्यादा करे है कांग्रेस वाले ज्यादा के बैठे चुप ये या चुप वाले कमाल तो नहीं करेंगे भाई के कैसे कहीं कमाल करेंगे न करे दूसरी बात है के कैसे कहीं। एससी वोटर्स और पिछड़े वर्ग के वोटर्स का आपके गांव में मूड क्या है, किस तरफ रुझान है? ऐसी तो जे इसका नहीं कांग्रेस इसका नहीं भव्य कन जा गया अच्छा और जाटांग जितना नहीं 1500 वोट जाटांगी है और बाकी वो सारी बरादरियां हैं जब बताओ तो वे सारे तो प्रजा के जत्तो आ रहेगा और सारे न पड़ेगे तो। लेकिन काफी सारे जाट परिवार भी जो है वो बिश्नोई परिवार के साथ है, यानी कुलदीप बिश्नोई के साथ काफी सारे इक्का दुक्का है गांव में 10 घर है नहीं मसाई है। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे देखे जिसमें कुलदीप बिश्नोई को पुनिया परिवारों ने बैनीवाल परिवारों ने लड्डुओं से तोला, तो लड्डुओं से तोला है तो वोट भी देंगे ना? ये देख काबरेल में मैं हूँ मेरी जमीन है काबरेल में, अच्छा पीछे देखे नहीं लड्डू मंगाए थे कुलदीप आप खुद दिए वे आप नायक है बोला हमें तो वोट मर्जी करोड़ देंगे और लड्डू दिया तोल और लड्डू पूरे पीछे ही कौन दिए वो उसका पलड़ा जो है लाडू मंगा ऊंचा था रहेगा नीचा था बता भी कहते पूरे पीछे देवान सुरा देने लगे थे पीछे अच्छा। जब नायक बताओ थे मैंने बोला मास्टर माला काम तो न्यू कर गया। अच्छा मुझे तो, ये बताइए कि विकास कार्यों को लेकर क्या तस्वीर आपके गांव में, पिछले 8 सालों में कितने विकास कार्य सार्वजनिक विकास कार्य आपके गांव में? किमी कौन कराया के कराया कोई मेरे बांधना के सड़क फूट दिया वही कौन कराई जब शुरू में ये बोला कुलदीप खड़ा हुआ नहीं बोला का ईब टांके मार दे के तेली का मास्टर रहे या यो जो टांके वही तय को लागे वो पड़े 10 पट लिए उरे 10 आंग चोट लागी बता ईब के कराई। नौकरी तो ईमानदारी से दी है खट्टर सरकार ने ना, ये तो मानते हैं। हां टेस्ट पर यह बात मानी टेस्ट, लेकिन 20-20 लाख रुपए अधिकारी भी लिए है अखबारों में चर्चा नहीं थी भाई फलाना अधिकारी उन्होंने रिमांड लिया और लिया उन्होंने सस्पेंड भी करे 20-20 लाख रुपए लिए अधिकारी वो तो चर्चा करोड़ों में थी। हाँ वो घड़ी हो जाए 10 आदमी लगा हुए है 20-20 लाख में कितने को हो जा। अच्छा एक बात बताओ प्रचार के लिए कौन कौन आपके बीच में पहुंचा है? जेपी आपके पास आया, भव्य बिश्नोई आपके पास आया? जेपी तो आया भाई और भव्य को आया नहीं, शकल देखी हुई जान ला दिया भाई भव्य किसाक है किसाक नहीं भाई काना है एक मेले डाले लंगड़ा है सुनो छोरा है सुनो छोरा है भाई देख इसे सुनन के चट्टान जो गलत काम करे उरे रही को नहीं वो एक मौका देना चाहिए भाई इसको जो है नी ये हल्कम रहना शुरू कर देगा ये इसका थोड़ी वोट आ जाए तो ये ले। तो जेपी साहब ने प्रचार में जब आपके गांव में आए क्या कहा, वायदा क्या किया? वायदा तो भाई सारा मैं काम करूंगा निष्पक्ष काम करूंगा और जो तुम कहोगे सारे वही काम करूंगा मैं। तो लगता है कि गांव में पसंद कर रहे हैं उनको क्या? वही हाँ पसंद क्यों नहीं कर रहे, पसंद तो करेंगे। युवा वोटर्स इस वक्त हमारे साथ है, यही के रहने वाले हो? किसाक रुका रोड़ा लग गया था ना रोड़ा रुका तो जी अपने बीजेपी सरकार के जो काम है उनके हिसाब से जनता वोट देगी। भव्य बिश्नोई हाँ तो बीजेपी है जी कैंडिडेट कोई भी होता है। अच्छा, वो कोई भी बीजेपी के साथ है। हाँ जी। मोदी जी पसंद है कि खट्टर जी पसंद है जी? हरियाणा सरकार भी बढ़िया काम करने लग रही है, बढ़िया काम करने लगी। हाँ जी भजनलाल जी के साथ रहे थे या सिर्फ बीजेपी ही पार्टी के रूप में पसंद आई? पहले तो जी भजनलाल की तरफ ही ज्यादा होया करता, फिर छोड़ के प्यार से वोट। हाँ जी अभी 10-15 सालों से कुछ थोड़ा सा विपक्ष में होया सौदा, लेकिन ये सरकार की नीतियाँ जिस तरह से राशन है पहले बुढ़ापा पेंशन आया कर दी उनमें रोल आया कर दी, नहरों में अभी हमारे टेल पर पानी नहीं पहुँचा करता 7-8 साल से बढ़िया पानी पहुँच रहा है, बिजली दोपहर में 2 घंटे रहा कर दी, अब पूरे दिन रवे लाइट, बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी हो विकास के नाम पर वोट देगी जी। आप बताइए
किस तरह की रंगत आपको चुनाव की नजर आ रही है? मेरे को प्रचार बता दीजिए, प्रचार किस तरीके का? प्रचार तो हम तो बजनलाल का थोड़ा ही कथा करा, बजनलाल पूरी की पूरी। तो मेरे को ये बताओ कि विकास कार्य हुए क्या मनोहर सरकार में आपके गांव में? विकास का जो काम काज जब किया गया इतना तुम काम होगा देखा कौन में? आगे कोशिश है भी काम करेगा, या यो पार्टी आओगी तो कुलदीप आओगा तो काम करेगा, उम्मीद है, उम्मीद पूरी पूरी है। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर जी आपके हलके में आते हैं वोट मांगने के लिए, अपील करते हैं, तो उसका कोई असर पड़ेगा क्या? हाँ जरूर असर पड़ेगा, तो पार्टी का असर पड़ेगा। युवा वोटर और भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे उनके मन की बात को चलिए मुझे ये बताइए, आपसे बात हुई कि नहीं? चलिए, क्या लग रहा है बगला गाँव? नमस्कार, बगड़ा गांव से जयप्रकाश जी जीत रहे हैं जी। कोई खास वजह? वजह जी काम करवाए, संघर्षी आदमी, मेहनती आदमी है। और दूसरी बात यह है कि हम हुड्डा साहब को भी देख के चल रहे हैं सच्चाई के प्रति, क्या अगर आज आदमपुर हल्के में कोई भी एक आदमी ये कहते कि हुड्डा साहब ने ये बात कही थी और वादा पूरा नहीं किया था, हम मान जाएंगे। चलिए, लगातार आदमपुर के वोटर्स के बीच टोटल न्यूज बना हुआ था, आदमपुर के दंगल में तमाम वोटर्स के मन की बात को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तमाम वोटर्स बड़ी बेबाक तरीके से अपनी राय को रखते हुए नजर आए, और साफ तौर से मैं ये बात कह सकता हूं कि टोटल न्यूज़ ने पूरी ईमानदारी के साथ ही कोशिश की कि वोटर्स के मन की बात को, उनके अंदर जो दर्द है, जो उनके अंदर जो खुशी है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश टोटल न्यूज़ की तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ की गई। हमने ये हर संभव कोशिश की कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन कार्यक्रमों में बिल्कुल नहीं हो, आम जो वोटर है उसके मन की बात को हो, टोटल न्यूज़ ने अपने दर्शकों तक पहुँचाया है। और हम ये मानकर चलते हैं कि टोटल न्यूज़ का ये ओपिनियन जो हमने तमाम वोटर से हासिल किया है बेहद महत्वपूर्ण है, और चुनावी नतीजों के रूप में भी कुछ ऐसा ही आपको नज़र आएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, गांव बगला, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जिला हिसार।